वेलकम इंडियन अनबॉक्सर अनलिमिटेड। और आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही दमदार स्टंट कार, और ये स्टंट कार का आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू भी और टेस्टिंग भी। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिए, और हमारा जो चैनल में नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसका आगे जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए। सो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कोई भी जब भी कोई टॉयस का टेस्टिंग करेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड ये जो हम स्टैंड कर हम बाय किया है अमेजोन से, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉक्स है। तो चलिए हम बॉक्स से पहले निकल लेते और देखते हैं इसके अंदर ये स्टैंड कर क्या काम करते हैं या कैसे है। तो पहले इसमें इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। उसके पहले थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते। इसका नाम है डप्ट स्टैंड कार्ड और हाई स्पीड ड्राफ्टिंग क्लाइंबिंग व्हीकल्स है। और इसका अंदर ये एक्सक्लूसिव मॉडल में है, इसका लाइट भी है और इसका चारों तरफ इसका मूव भी करते और यूनिवर्सल व्हील भी है। और इसका पीछे में बहुत और कुछ ये जो कार कैसे काम करेगा उसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कार, ये पूरा बॉक्स तो ऐसे ही है। तो अभी हम बॉक्स का अभी दो कलर में ये कार अवेलेबल है। तो चलिए अब देखते हैं बॉक्स के अंदर ये कार कैसे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कार यहाँ पे अंदर में बॉक्स के अंदर है और ये पूरा बाइंडिंग के साथ है। और ये जो लूज है यहाँ पे बैटरी है और एक चार्जर है, और इसको हम साइड करते हैं और कार को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो रिमोट है यहाँ पे एलईडी लाइट है, और ये क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, देखने में तो हल्का ही लग रहा है, बहुत ही हल्का है। और ये पीछे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, मेरे यहाँ पे एक रेप लाइट का कंट्रोल है, यहाँ पे भी एक कंट्रोल है। तो ऊपर में थोड़ा सा ये एंटेना जैसा कुछ है लेकिन ये लग रहा है फॉल्स है। तो दोस्तों और यहाँ पे ये दोनों स्विच है लेकिन पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तो चलिए इसको साइड करते हैं और देखते हैं कार के अंदर क्या क्या है। तो देखते ये कार रेड कलर में है और इसका वेट बहुत ही अच्छा है। और इसमें से देखिए इसका जो व्हील है थोड़ा अलग तरीके का है। तो आप देख सकते हैं कि ये व्हील जो है ये भी ऐसे ऐसे मतलब ये घूम सकते हैं, और इसमें से बहुत सारा ऐसे यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ही है, इसका भी है चारों तरफ से उधर के भी ऐसे ही है। और इसका पीछे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, और इसमें और कुछ एक ऑन ऑफ स्विच भी है, बस और कुछ है नहीं। तो वेटफुल है और क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। सामने आप देख सकते हैं कि दो लाइट है, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइट अभी इसको ये काम करेगा। तो बाकी इसमें अभी बैटरी लगने के बाद ही हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको हम पहले बैटरी इसमें लगाते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बैटरी इसमें है जो चार्जेबल बैटरी है। तो ये चार्जेबल बैटरी इसके साथ आया है, और इसका देख सकते हैं ये 500 mAh का है। और इसको ये जो कनेक्टर है इसको हम ये कम आपका कार के अंदर कनेक्ट करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो है इसका चार्जर है, तो चार्ज इसमें हम पहले इसको चार्ज कर लेते हैं। तो ये अभी हम चार्ज कर लिया, और इसमें अभी आधा घंटा से 45 मिनट जब चार्ज करने में लगता है। तो चलिए अभी इसको हम कार में सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जैक है उसके साथ ये जो हमारा बैटरी है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट हो गया। अभी बैटरी इसके अंदर ही आप इसको कवर के अंदर हम फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों अभी इसमें बैटरी हम फिट कर दिया, अभी इसको ऑन ऑफ करके जो स्विच है उसको ऑन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये सामने लाइट अभी आ गया, मतलब ये बैटरी काम कर रहा है। और इसको अभी हम रिमोट में अभी इसका बैटरी हम इनपुट करेंगे, फिर देखते हैं ये कार कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम बैटरी इसको हम रिमोट के अंदर दो आप देख सकते हैं ये जो डबल ए बैटरी है, डबल ए साइज का बैटरी होता है, वो दोनों इसमें हम लगेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें भी लाइट जल रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। तो थोड़ा अभी हम कार को टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा इसको पहले से पीछे देख से यहाँ पे जो स्विच है इसको हम ऑन कर दिया अभी,
कार का, और अभी इसका रिमोट से हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कार अभी मूव कर रहे हैं। तो चलिए अभी जाते हैं थोड़ा सा बड़ा जगह में और इसको हम करते हैं।
तो फ्रेंड्स आज का कार्ड का हम आपको टेस्टिंग करके दिखा दिया। इसमें कार्ड तो क्वालिटी एज ए वाइज अच्छा है, लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट जो भी है क्योंकि आपको इसमें लेफ्ट राइट का कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसको आपको घिस के मतलब जैसे घिस रहा है उसी हिसाब से ही ये लेफ्ट राइट होता है। और इसमें ऐसे बैटरी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हम आधा घंटे के ऊपर इसको चला लिया और ये एकदम अच्छे से चल रहा है और ऐसे क्वालिटी कार का एकदम ठीक ठाक ही है। लेकिन प्राइस थोड़ा जो हमने अमेजन से बाय किया उसका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। तो आपको मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ, आप बाई कर सकते हैं कार का प्राइस छोड़ के बाकी का कार का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू आज का वीडियो आपको वॉच करने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।